अच्छा, रिसेंट आपका मतलब मुझसे कैसे जुड़ना हुआ? आपने मुझे कहाँ देखा कि आपने कांटेक्ट किया, या आपने कुछ अनुभव बताया रिसेंट? देखो खुशी, क्या हुआ ना, मुझे पढ़ते सुनते करते ऐसे लगने लगे कि कुछ मिल नहीं रहा है। तो एक दिन अचानक मैंने ध्यान भी छोड़ दिया, और ऐसे कभी बहुत सारे, कभी गिटार भी छोड़ देती, ध्यान भी छोड़ देती, कभी पढ़। कितने दिन से छोड़ा हुआ था आपने ध्यान? बहुत बार छोड़ा, कितने कितने महीने? अभी अभी कितने दिन से छोड़ा हुआ था, अभी करने से पहले? अभी मैं एकदम, मुझे मैंने एक दिन देखा तो अचानक तुम दिखी, और यही प्रश्न था कि रविशंकर जी और वो क्या सबकी आपने बोला जहाँ से अच्छा मिल जाए वहाँ से ले लेना चाहिए किसी की बोले जी। तो मुझे लगा नहीं बात सही है, तो मैंने सुना सुना तो मुझे बात सही लगे, और तुम एक साधक हो तो तुम्हारा अनुभव भी मैंने काफी पढ़ा सुना। तो मेरे हस्बैंड बोले ये किसका क्या सुनती रहती हो तुम और कोई नहीं मिला तुमको, इतने लोगों की दुनिया है तो इसको क्या सुनती हो? साधक है तो इसके अनुभव मेरे काम में आ सकते हैं, सुनती हूँ इसी वजह से मैं बोलती भी हूँ। हाँ, उसने मैंने एक सुना कि ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो आधा घंटा या एक घंटा, फल की चिंता मत करो, बस ध्यान करते रहो। तो मुझे पता नहीं क्यों क्लिक कर दिया ये, कि शायद मैं रेगुलर नहीं हूँ, शायद मैं जल्दी से अध्यता कर रही हूँ कि ध्यान मुझे घट जाए। तो मेरे दिमाग में आया, और शायद ओशो बोले हुए मुझे कि मैंने देवानी शुरू कर दी। अच्छा, तो मेरे साथ निकल मैंने देवानी शुरू कर दी, और शाम को कुंडलिनी शुरू कर दी। जो ध्यान मतलब एकदम ऐसा चलने की मुझे करना ही है। देवानी में क्या करती हैं आप, मेरे दर्शकों को बताएंगी देवानी में क्या करती हैं? देवानी में है कि 15 मिनट का मौन है, म्यूजिक चलती है, म्यूजिक रहती है, और फिर 15 मिनट ला 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 बोलते हैं तो अपन बचपन में चले जाते हैं। फिर जो भी हो, मुद्राएं बने, आवाजें निकले, बच्चे जैसे आवाज निकले, या जिब्रिश टाइप का होने लगता है, जिब्रिश जैसे होने लगता है। फिर उसके बाद म्यूजिक चेंज होती है, फिर खड़े होके एकदम ऐसे शरीर और मन को ढीला छोड़ देते हैं, बस परमात्मा ही एक अंदर से बोल रहा है जो भी हो रहा है होने, और फिर नाम लेते हैं 15 मिनट। अभी आपको अच्छा लगना शुरू हुआ है? अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगना, एक विश्वास, मतलब एक तरीके का विश्वास आ गया कि यस ध्यान ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ है, एक प्रकार विश्वास आ गया। यही जरूरत है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम ऊर्जा, जब हर ध्यान जब करते हैं तो वो कुछ ऊर्जा हमारे अंदर आती है, और फिर जो हम ज्ञात करते हैं तो हम ऊर्जा का इस्तेमाल भी तो करते रहते हैं, और कितने विचारों में ऊर्जा बहती है, बहुत सारे कामों में ऊर्जा बहती है, तो हम जमा कर रहे हैं और फिर ज्ञात कर रहे हैं, वो बह जा रही है। जिस तरह से हमको भोजन रोज ऊर्जा बनाने के लिए जरूरी है, उस तरह से ध्यान भी जरूरी है। तो वही जैसे भोजन क्या करता है, कभी कभी हम जिस दिन नहीं खाते हैं, कुछ दिन नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर कैसे जिंदा रहता है, वो जमा करता है, स्टोर करता है। उसी तरह से ऊर्जा भी स्टोर होती है, जितनी यूज हुई और नहीं हुई तो वो स्टोर हुई। ध्यान की ऊर्जा की मैं बात कर रही हूँ, है ना। विचारों में वो ऊर्जा तो बहुत बहती है, और विचार हमारे कभी रुकते नहीं है। तो जितने दिन हम याद करते जाएंगे वो बहती गई, जो हमने जमा की वो बहती गई। और अगर हम रोज कर रहे हैं ध्यान तो कुछ खर्च हुई, कुछ जमा हुई, फिर अगले दिन किया, कुछ जमा हुई, फिर उससे धीरे धीरे जमा होते होते तब चेंजेस आने शुरू होते हैं। एक लंबे समय तक समय से हम केवल विचारों से ऊर्जा बहाते जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक लंबे समय से केवल कचरा जमा किया है, तो उसकी सफाई करने चलेंगे तो एक दिन में तो नहीं हो जाएगी, है ना। और आज भी कर रहे हैं, आज भी कचरा तो हम रोज जमा कर रहे हैं। इवन अभी भी इतने बरसों के बाद भी मुझे जैसे ऐसा कभी नहीं मिला कि मैं विचार शुरू हो गई, विचार चलते हैं लेकिन काफी कम हो जाते हैं ध्यान में, कम हो जाते हैं। ऊर्जा जब आपको ऊर्जा जब घेरने लगती होगी तब एक अलग सा मतलब मजा
आता है उतनी देर, विचार कम होंगे, ध्यान में जो ऊर्जा आपको अगर घेरेगी, ऊर्जा सर्कल बनता है आपका, आपको ऊर्जा महसूस होती है अपनी चारों ओर, अभी नहीं होती है, आप थोड़ी सी ऊर्जा जब जमा करेंगे तो आपको ऊर्जा सर्कल फील होगा, जब आप बैठेंगे एक निश्चित पोस्चर में तो आपको अपने चारों तरफ एक ऊर्जा फील होगी, आप अंदर से बाहर की ओर निकलती हुई, वो जब सर्कल बनेगा तब आपके विचार एक सेकंड के लिए भी रुका करेंगे तो अजीब सा मजा सा आता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये जो बात तुमने बोली तो मैं उलझना नहीं चाहती हूँ कि ऊर्जा चक्र बने में सोचूं कुछ ऐसा, इसलिए मैंने कुछ नहीं सोचा कर रहा, बस मैं सोचना नहीं है, उसको सोचना भी नहीं है, वो अपने आप ही होगा जो भी होगा, हमारे करने से कुछ नहीं होता है। ध्यान ही करती गई लेकिन मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा, बस शुरुआत हो गई आपकी। मैं बोली खुशी ने एक दिन बोला था ऐसे कि यहाँ अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा माँ आपका अनुभव सुन के, और आपके अनुभव से औरों को भी तसल्ली होगी कि ऐसा नहीं है कि आज किया तो कल हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करना होता है, अगर करते रहो, होप रखो, और तो ध्यान से जो मिलता है वो तो प्रसाद होता है, वो प्रसाद होता है, वो हम नहीं घटा सकते, हम केवल प्रक्रियाएं कर सकते हैं, हम ध्यान के लिए बैठ सकते हैं, हम जो भी करते हैं वो सिर्फ एक प्रक्रिया है, ध्यान घटता है वो प्रसाद होता है हमारी साधना का, जैसे तपस्या कर रहे हैं कितने सालों तक लोग तपस्या करते थे तब जाके फल मिलता था हमको या फिर दान मिलता था, जो भी हम सुनते हैं अगर कहानियां भी हैं तो इसी तरह से वो मिलना हमारा हम पर डिपेंड नहीं करता, हम केवल कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल होता ही है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा, तो हम ध्यान करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं है, होगा ही, भी समय लग सकता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मुझे 15 दिन में हो सकता है, आपको 30 दिन में, किसी को 45 दिन में, डिफरेंसेस हो सकते हैं, कितनी दूरी खुद से हो गई है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा, तो समय देंगे तो जरूर वापस, आज ना कल आपको आना ही है, ये संसार आपको कुछ दे नहीं सकता है, आपको अपने अंदर से ही लेना होगा। नहीं, अपन जब ध्यान घटने लगता है, जब मेरे विचार कम होने लगे तो काफी समझ में आने लगे था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा, और संसार बहुत अच्छा से निभा पा रहे हैं, मेरे जॉइंट फैमिली है तो सभी पहले बोलते थे ये पागल हो गए, आज वही लोग बोलते हैं कि इसको क्या हो गया, ये अकेली भी खुश रहती है, फैमिली में भी खुश रहती है, 23 लोगों को संभाल रखी है अपने प्रेम से, और इसे तो ध्यान बहुत, मतलब सब कुछ है ध्यान, मेरे हिसाब से सब कुछ ध्यान ही, और ओशो ने हमें दी है, गुरु जी ने हमें दी है, ये बहुत आसन शब्दों में जो भी दे सकती, शब्दों में बहुत सारी चीजें उतर नहीं सकती है, वो भावनाओं में उतर सकती है, वो तुम वो नहीं है समझ सकते, या फिर जो ओशो को प्रेम करते हैं, गुरु जी को प्रेम करते हैं, बस वही समझ सकते हैं। ठीक है माँ, आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, इससे पहले के पाठ के लिए पाठ 1 दे